देखो वह 18 साल की लड़की है, देखो चेहरा देखो एकदम मस्त है, इसके कान देखो, कान की बाली देखो, ये देखो दांत, देखो दांत एकदम पांडरे पांडरे। चलो बोली लगा फटाफट, बोली 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 कितना? 30,000। 30,000 के आगे कोई एक है, जल्दी बोलो। 45,000। 50,000। 50,000 दो। 50,000 तीन। अरे बारह बारह पावती, बारह पावती मिलेगा, सब मिलेगा, रुक थोड़ा। संतोष बाबू, ये रसीद, मेरी बहन 1 साल के लिए आपकी बीवी। बिकती हैं यहाँ बाजारों में सब्जियों अनाज की तरह लड़कियां, लगती हैं यहाँ खुल के बोलियां, आवाजें आवाजों से टकराती हैं, खामोश रहती हैं मगर बेटियां। ये किस सदी की तस्वीर है, ये किस देश का किस्सा है? 21वीं सदी में महानगर मुंबई से बस 400 किलोमीटर दूर आज भी लगती है मंडी दुल्हनों की। हाँ भैया, कितना हुआ? 100 रुपया। पीछे 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 पीछे, चलो साइड और पीछे पीछे, चलो पीछे चलो पीछे पीछे पीछे, चलो चलो। ये सरिता भाई साहब। और ये बच्ची? ये उसी की बेटी है साहब, ये 14वें माले पे जायसवाल साहब के यहाँ काम करती है और उन्हीं के घर पे रहती है साहब। जायसवाल कहाँ पे? वो दोनों मियाँ बीबी दफ्तर में काम करने गए साहब। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तुम कहाँ थे? साहब मैं खाना खाने बैठा था और तभी जोर की आवाज़ सुनाई थी, फिर मैं भाग भाग के आया और देखा, इसके बाद जायसवाल साहब को तुरंत फ़ोन किया साहब, बस आते ही होंगे वो। आई साहब, ये है जायसवाल साहब। सब्जी यहाँ पड़ी है, मतलब लड़की यहाँ से आई, किसी को देखा, फिर ऊपर। चलो ऊपर। सर, यहाँ किसी का मोबाइल गिरा है। कॉल डिटेल निकालो इसकी। सर, मिस्टर और मिसेज जायसवाल दोनों आ गए हैं। सोलापुर का ही था। तो सोलापुर से हो तुम? देखो, आपको मैडम ने तो सब कुछ समझा ही दिया है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरिता और उसकी बच्ची तो सर्वेंट रूम में रह सकती है, पर तुम उनके साथ नहीं रह सकते। हो साहब, उसके व्यवहार में कभी आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाओ जिससे कुछ शक पैदा हो तो। नहीं सर, वो तो बहुत ईमानदार थी। मैडम, ये कान की बाली आपकी, वो घूम गई थी ना, मुझे अभी कमरे में मिली। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कल मार्केट गई थी ना, वहां मैं घुमाई और देखिए इसने ढूंढ दी। थैंक यू सो मच। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, उसने वो मीनू को लेके कूद गई। मीनू उसकी जान थी सर। अभी कल रात की बात है, मीनू को हल्का सा बुखार था। मैडम जी, देखो ना, बहुत रो रही है, बुखार की वजह से पूरा बदन तप रहा है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इसे बहुत बुखार है, मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मैं काम करती हूँ, इसे दवाई दे देती हूँ, सुबह तक उतर जाएगा बुखार। ले चलते हैं ना, बहुत रो रही है। चलो चलो, मैं लेकर चलता हूँ। सर, वो हमेशा कहती थी बेटी को पढ़ाएगी लिखाएगी,
लेकिन उसने ऐसा क्यों किया सर? पता नहीं सर। उसका पति चंद्र क्या करता था? जी ऑटो रिक्शा चलाता था। दोनों में बनती थी? सर वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हर संडे को हम उसे छुट्टी देते थे, तब चंद्र उसे लेने के लिए आता था और शाम होते होते उसे छोड़ जाता था। लेकिन सर पिछले संडे उन दोनों के बीच कुछ अनबन हुई थी। एक बार नहीं बोला तो समझ नहीं आता क्या? क्या हुआ सर? तो सब ठीक तो है? क्या हुआ? ठीक है? हाँ मैडम सब ठीक है। हादसे के वक्त आप दोनों कहाँ थे? सर हम क्वारी में आपको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, और आप हम पर ही शक कर रहे हैं? शक करना तो हमारा काम है। अभी हादसे के वक्त आप लोग कहाँ थे, ऑफिस में किसके साथ थे, सारी डिटेल ले लो। यस सर। आजकल में चंद्र कभी आया? जी हमारे सामने तो कभी नहीं आया, हमारी एब्सेंस में आया हो तो पता नहीं, आप वॉचमैन से पूछ सकते हैं। साहब मैंने पहले भी बताया था ना, मैं खाना खाने गया था। साहब इसकी एजेंसी का नंबर ले ले। जहाँ तक मेरी जानकारी है सरिता को जसवाल के पास काम तुमने लगवाया था। हाँ साहब, वो चंद्र है ना उससे जान पहचान हो गई, उसने बोला बाइक को काम दिला दे, मैंने दिला दिया। साहब चंद्र को कैसे जानते हो तुम? वो मेरी चाली में ऑटो ड्राइवर है ना दामोदर, उसने जान पहचान करवाई। साहब ये चंद्र आखिरी बार यहाँ पे कब आया था? इतवार को साहब। सर चंद्र का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चंद्र का पता बताओ। जोगेश्वरी ईस्ट में स्टेशन के पास में सुभाष नगर खुली नंबर 36 है। सर ये लोग तो कह रहे हैं कि चंद्र कल सुबह से घर लौटा ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर। ताला तोड़ो पूरा, देखो चारों तरफ। सर ड्राइविंग लाइसेंस का एक जेरोक्स मिला है। सर चंद्र जहां से भाड़े से ऑटो लेता था उसका पता चल चुका है। जी हाँ मेरा रिक्शा चलाता था लेकिन कल से वो नहीं आया। रिक्शा लौटाने भी नहीं है? नहीं साहब, लेकिन हर रोज रात को चंद्र हिसाब करके मेरा रिक्शा लौटा जाता था। जैसे ही मुझे पता चला कि पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है मैंने फौरन थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाई। कब से चला रहा था तुम्हारा रिक्शा वो? एक साल से साहब, लेकिन उसका किसी से कोई पंगा नहीं, कोई लेना देना नहीं साहब। पिछले 3 महीने पहले वो अपनी फैमिली को लेकर आया था, बोला था मुझे साहब उसने। चंद्र मेरा दोस्त है, बड़ा झकास आदमी है साहब, पर बोले तो पिछले कुछ समय से कुछ गड़बड़ चल रही थी साहब। ये ले चाय पी। दामोदर या आस पड़ोस कोई लॉज है क्या सस्ती वाली? क्यों भी तेरा खोली क्या हो गया? मेरी खोली है पर किसी के वास्ते चाहिए थी। कोई रिश्तेदार आ रहा है? है कोई। अबे है कोई क्या क्या मतलब है? उधर बीवी इधर बाहर है कोई? अरे बता बता। अरे बता। है कोई पर सस्ती वाली लॉज तो बता। साहब चंद्र बोला मेरे दोस्त को मांगता है तो मैंने कह दिया साहब चला जाएगी तो लॉज मला स्टेशन के पास। इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, ये आदमी तो आया था यहाँ, इसने एक रूम भी बुक किया था। एक मिनट, उसने नाम बताया था, हाँ चंद्र प्रकाश फुले, साथ में एक लड़की भी थी, बोल रहा था उसकी बीवी है। वो कल अकेली यहाँ से चली गई, फिर वापस भी नहीं आई, भाड़ा भी एडवांस दिया था, मैंने सोचा गई होगी कहीं। ये वही लड़की है? नहीं नहीं साहब ये नहीं है। एक बार ठीक से देखो, यही लड़की है वो? नहीं नहीं साहब ये नहीं है। अच्छा यहाँ पे सीसीटीवी है? है ना सर। मुझे इसका फुटेज देखना है। बस बस इस फुटेज की डीवीडी चाहिए मुझे। ये देखिए लड़की के बॉडी पे कुछ खरोच के निशान है, मौत छत से नीचे गिरने के वजह से हुई, रिब्स में मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी, स्कल और स्पाइन दोनों रक्षण है। सर
हमारी छानबीन के मुताबिक पंकज और प्रिया जायसवाल उस वक्त घर में नहीं थे, वो अपने ऑफिस में ही थे। इसका मतलब है किसी और की इसमें इन्वॉल्वमेंट रही होगी। और एक बात सर, औरत के पीठ पे मार के बहुत सारे पुराने निशान मिले, ये देखिए। किसी ने बेरे में से कई बार मारा है विक्टिम को। सर, सरिता के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसने सुबह चंद्र से बात की थी, बाकी ज्यादातर कॉल्स आसपास के दूसरे नंबरों पर हुई है सर। सर, ये मामला लव ट्रायंगल का लगता है। चंद्र एक लड़की को लाके लॉज पे रखता है, वो लड़की सुबह किसी को बिना बताए लॉज से चली जाती है। उसी दिन दोपहर को सरिता अपने बच्चे के साथ छत से कूद के जान देती है। उसी दिन दोपहर से चंद्र गायब है। सर, ऐसे हो सकता है कि चंद्र के इस चक्कर के बारे में सरिता को पता चला हो, उन दोनों में कुछ बहस हुई, झगड़ा हुआ और फिर बहस इस कदर बढ़ गई कि गुस्से में आके सरिता ने अपने बच्चे के साथ छत से कूद के जान दे दी। काबले ये भी तो हो सकता है कि चंद्र उस लड़की ने मिलकर सरिता और उसके बच्चे को छत से धक्का दे दिया और बाद में भाग गए। इस लड़की का मिलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आखिर ये लड़की है कौन। यस सर। आजा आजा। चंद्र की याद आ रही है, लड्डू जो खिलाता था तुझे, उस कमीने के कारण तो तू यहाँ आई है। आजा। सर, ये चंद्र बहुत शातिर आदमी लगता है। उसने जयसवाल को जो एड्रेस दिया था वो गलत है। सोलापुर पुलिस ने कंफर्म किया है कि उस पते पर चंद्र फुले और सरिता फुले नाम का कभी कोई था ही नहीं। सर, एक बात और सर, उसका सिम भी फर्जी पेपर से लिया गया है और उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन जोगेश्वरी की उसकी चौली है सर, जहाँ पे रहता था। सर, इन दोनों के फोटोग्राफ्स सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिए गए थे लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। लॉज में कमरा लेना, वो भी फर्जी एड्रेस लिखवाकर, मतलब इसने कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर की होगी। हमारे पास उसकी तस्वीर और ड्राइविंग लाइसेंस का जेरोक्स है। एक काम करो, महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर भिजवा दो, उसका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो जरूर मिलेगा। अब ये चंद्र प्रकाश और लड़की, हमारे पास दो ऐसी कड़ियां हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि सरिता की मौत आत्महत्या थी या हत्या। ये क्या चल रहा है तेरा? चलो क्या तेरा मेकअप? बाप का माल है, चल जा खाना बना, भूख लगी है मेरे को। हल्दी, पुलिस को जिस लड़की की तलाश थी, जिस पर शक था कि चंद्र के साथ मिलकर उसने कोई खेल खेला था, वो लड़की कहीं और किसी के अत्याचार का शिकार हो रही थी। ये लड़की क्यों मजबूर थी ये सब कुछ सहने के लिए, और उस पर अत्याचार करने वाला अपने आप को उसका पति कहता था, ये कैसा रिश्ता था पति पत्नी के बीच का? वो चंद्र के साथ उस लॉज में क्यों ठहरी थी? 2 महीने बीत चुके थे लेकिन पुलिस को इस केस में कोई लीड नहीं मिल रही थी। भाई ये देखो, एकदम शादीशुदा माल है, इसका भी चेहरा देख लो, एकदम गोरा चिट्टा है, दांत देख लो एकदम पांडरे शुभ्र, कान बगा मस्त है भाई, गोल घूम गोल घूम गोल घूम देख लिया अभी। और ये देखो 50 के नीचे 1 रुपया नहीं, 50 के ऊपर बोली लगाने का, जल्दी बोल। 55,000 नहीं दादा, आसना आगे और ज्यादा लगाओ, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। 60 में नक्की कर। 60 में नक्की करा लगा, कुंवर ये क्या, वो शादीशुदा है, एक शादी हो चुकी है और पूरे साल अपने पति को खुश रखा, इसके लिए 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं करूंगा भाई। 60 के ऊपर 70,000 बहुत कम होता है यार। कोई है? चल 75,000 के एक पैसा नहीं ज्यादा, ये 75,000 ले। 75,000 के ऊपर कोई है? कोई नहीं है, आज से है मेरी भाई को। काका तांबा आज पावती बनो दे, पावती बना रहे काका की, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना, चल जल्दी। अरे ये ना, अरे आना, लावणी गाने को आता है तेरे को? आई मजा लगना चीग, अरे भैरी है क्या, लावणी गाने को बोला ना तेरे को? अरे गा। टोलकी जाता लावर घुंगरू जब
बुलावर मीनास जिते मी डोर ते। ये सुना ही नहीं पड़ रहा है, इधर गोद में बैठ के सुना। अरे हाँ ना, ये पावती देख, 75,000 में दे के लाए तेरे को, इधर नखरा नहीं चलेगा। तेरे पहले भी 3 आके गई, एक ने बेटा दिए। बैठ बैठ जा। अब तो मेरे को एक बेटी दे दे, उसको बेच के बुढ़ापे में आराम से जीने का है मेरे को। ये कैसी शादी थी, कैसा सौदा था ये? 1 साल के लिए मंडी से दुल्हन खरीदी जाती थी, लड़की के भाई और उसके पिता ही ये सौदा करते थे, और उसकी बकायदा एक रसीद भी होती थी, और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा था। उधर 3 महीने बीत चुके थे, पुलिस को ना चंदर मिला था और ना ही वो लड़की, और फिर अचानक पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला। MH04CW2037। सर, ये वही ऑटो है जो चंदर भाड़े पे लेके चला था। इस ऑटो को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दो, और चंदर की तस्वीर आसपास के इलाके में दिखाओ। हो सकता है सरिता और उसके बच्चे को मारने के बाद उसने इस ऑटो को यहाँ छुपा दिया और उस लड़की के साथ भाग गया। जी सर। सर, सब जगह पूछताछ की, ना उस चंद्र का पता चला, ना ही उस लड़की को खबर मिली। ओ भाई, वहां क्या है? इधर हम लोग इधर खड़े हैं। अरे यार, वो देखना, वो क्या है, वो पीछे, वो जाड़ी के पीछे देख। हेलो सर। सर, वो उस तरफ, सर वो जाड़ी के पीछे। सर, महीने तक जिसकी तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर डाला था, जिसे एक सस्पेक्ट माना था, उसकी लाश पुलिस को मिली। रहस्य गहराता जा रहा था, और अब रहस्य पर से पर्दा उठा सकती थी वो लड़की, जिसकी शिनाख्त भी पुलिस अब तक नहीं कर पाई थी। ये सारा सामान चंदर की बॉडी से मिला है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से चंदर की मौत हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने? ये सरिता की मौत को भी तो 4 महीने हुए ना? हाँ सर। मौत की वजह? किसी चाकू या तेज धार के औजार से मल्टीपल इंजरीज हुई है सर। कमाल की बात है कामले, हमें तो ये शक था कि चंदर ही मर्डर करके भागता फिर रहा है, लेकिन यहाँ तो गेम कुछ दूसरा ही है। वो खुद ही इसका शिकार हो चुका है। हो सकता है इन सबके पीछे उस लड़की का हाथ हो, या फिर वो भी शिकार हो गई हो, लेकिन हो ना हो, कहीं ना कहीं इस लड़की का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। कामले, इस लॉकेट को जरा ध्यान से देखो। इस लॉकेट में किसी मंदिर का स्केच बना हुआ है। इस तरह के लॉकेट छोटे गांव के मेले में मंदिर के आसपास मिलते हैं। पता करो ये लॉकेट कहां का। जी सर। सर, उस लॉकेट का पता चल गया है। मराठवाड़े के एक गांव मंदेली के मंदिर का लॉकेट है। यहां से 500 किलोमीटर दूर है सर। कहीं पे देखा है? नहीं सर। ये लॉकेट? हाँ सर, इधर का मंदिर का है। बहुत सारे लोग आते हैं साहब मंदिर में दर्शन को, इससे मन्नत पूरा होता है साहब। हाँ पता है पता है। तो इन लोगों को नहीं देखा? नहीं साहब, नहीं देखा। सर, मुझे लगता है चंद्र और सरिता को हम लोग गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। हो सकता है चंद्र यहाँ पे सिर्फ दर्शन के लिए आया हो, वो इस गाँव का हो ही नहीं, क्योंकि इसे कोई भी पहचानता नहीं। नहीं कामला,
मैंने लोगों के चेहरे पर कुछ और ही पढ़ा। ये लोग जरूर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा दे। तू तो नाव का है बेटा? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी ये लड़कते? हाँ ये तो भूषण राव काका की बड़ी बेटी है। भूषण राव? हाँ मिस भूषण राव। सरिता तुम्हारी बेटी है? ओ साहब सरिता मेरी बेटी है पर उससे अब हमारा कोई संबंध नहीं है। अभी कहाँ है? बोला ना साहब कि हम उसको अपनी बेटी नहीं मानते। चार महीने पहले उसने छत से कूद के जान दे दी, ये भी पता नहीं है क्या तुमको? हैं? अब हमको क्या मालूम साहब कि वो जिंदा है कि मर गई? अरे नाक कटा के चली गई वो अपने पति के घर से, पता नहीं किसी के साथ में भाग गई। भाग गई? लेकिन हमें तो बताया गया कि उसका पति चंदर है। चंदर? हमको नहीं मालूम साहब ये चंदर कौन है। तो उसका पति? तो मिला साहब, वो तो मर गया। अरे बच्ची के पैदा होने के कुछ महीने बाद ही वो गुजर गया। हम तो उसकी दूसरी शादी कराना चाहते थे कि उसको भी सहारा मिल जाएगा और बच्ची को उसका बाप। पता नहीं सरिता के मन में क्या था, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया, वो अपनी बच्ची को लेके चली गई, हमारी तो गांव में थू थू करा दी। सर मुझे ऐसे लगता है कि ये सरिता का बाप कुछ छुपा रहा है। जैसे ही हमने इसकी बेटी की मरने की खबर सुनाई, वैसे उसकी माँ की शक्ल देखी, कोई दुख नहीं था। मुझे ये चीज कुछ अजीब लगी सर। कामला याद है बच्ची ने फोटो देखकर कहा था कि सरिता भूषण राव की बड़ी बेटी है? हाँ ये तो भूषण राव काका की बड़ी बेटी है। मतलब ये अगर सरिता भूषण राव की बड़ी बेटी है तो जरूर कोई छोटा भाई या छोटी बहन तो होगी। ये काम करो जाके लोकल पुलिस की हेल्प लो। क्या बोली तू अपने बाप से? मैं तेरे को मारता बोली? दो झापड़ मारा तो क्या हो गया? कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? कौन आदमी अपनी औरत को नहीं मारता? वो तेरा बाप आया तेरे को लेने के लिए, धमकी दे रहा है, 75,000 दे करके तेरे को एक साल के लिए आया था और एक महीना नहीं हुआ कि वो लेने आ गया। तुम लोग क्या समझते हो बदनामी से मेरे को बाई नहीं मिलेगी? मिलेगी मेरे को बाई। जा जा चल निकल चल। वो देख वो तेरा बाप और भाई है, मेरे को ये लफड़ा नहीं मांग। चल जा यहाँ से। जा बाबा जा। चुपचाप बैठ। तुम दोनों बहनों ने नाक में दम कर रखा है, बैठ चुपचाप यहाँ पे। और तेरे वजह से पुलिस भी घर में आ गई। चला चला निकल चला। हाँ निक तू चला, तमाशे ना को चला। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही था। सरिता जिसने मुंबई में बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दी थी और एक लड़की जिसका नाम भी अभी तक पुलिस को नहीं पता था, वो दोनों सगी बहनें थी। तेरी छोटी बेटी करुणा कहाँ? अरे बोला ना साहब कि मेरी एक ही लड़की है, पर कल ही तो आप बताए ना कि मर गई करके वो, फिर कहाँ को पीछे पड़ा हमारे? साहब ये झूठ बोल रहा, मैंने कल इसकी दूसरी बेटी को देखा है। तू गांव का हो के कहाँ को टांग अड़ाता रे? और तेरे को मालूम है ना कि हमारे समाज के मामले में पुलिस के पास नहीं जाते। देख भूषण राव तेरे को समझा रहा हूँ, पुलिस के काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोल कहाँ तेरी बेटी? अरे बोला ना साहब कि इधर कोई करुणा वरुणा नहीं है। देखो साहब हमारे गांव में पुलिस नहीं आती है, सब अपनी मर्जी से जीता है, हमको परेशान नहीं करने का। तुम लोग को कोई परेशान नहीं कर रहा है? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है? ऐसे कैसे लोगे? हम गांव वाले आपको घुसने देते हम ना? नहीं घुसने देंगे इनको, नहीं देंगे। तुमको तलाशी लेनी ना, जाओ तलाशी लो। अगर आप इसके बाद में अगर पुलिस इधर आई ना तो समझ लेना गांव वाले चुप नहीं बैठेंगे। हाँ शिंदे करुणा यहां है नहीं तो फिर गई कहां? सही रिसीट करुणा के नाम की, भूषण राव की है। यार भूषण राव तू तो बोल रहा था सरिता के अलावा तेरी कोई दूसरी बेटी नहीं है, हा? लेकिन ये पर्ची बता रही है कि करुणा तेरी बेटी है।
कहाँ है वो? इधर कोई करुणा नहीं है साहब। अगर आप 100 बार भी पूछेंगे ना तो मैं यही बोलूंगा कि करुणा हमारी बेटी नहीं है। लेके चलो दोनों को। ये कहाँ करता तुम्हें? कपस कोई आगे नहीं आएगा। अरे बाबा खाली पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, फिर वापस लेके आएंगे इधर। चल पीछे चलो। करुणा दीदी को वो मौसी खींच के ले गई। कहाँ? लड़की किस लिए पैदा करते हैं? पैसा कमाने को हा? और तू? तुम दोनों ने तो हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ट्रको है माजी ताई खूब चांगली होती, मेरे आई बाबा उसको बेचे तभी बोली तेरे को नहीं बिकने देगी मैं। वो मेरे को इस गांव की गंदी प्रथा से बचाना चाहती थी, इसलिए मुंबई बुलाया मेरे को। इस गांव में लड़की का जन्म नरक है नरक। माँ बाप राह देखते हैं उसके जवान होने की, मंडी में बेचने की। भाई को राखी बांधते हैं हम, पर इस गांव का भाई कसाई है साहब, कसाई। सोलवा लगा नहीं कि खड़ा रख देते बेचने को। आप ही बताओ मेरे को, ये कैसी प्रथा है साहब? ये कैसा समाज है? लोग लगन करते हैं प्यार पाने को, और इधर लगन करते हैं बिस्तर में लिटाने को, बच्चा पैदा करवाने को। हर 4 महीने में इस मांदेली गांव में मेला लगता है। कांदे बटाटे की मंडी होती है ना साहब, वैसे ही लड़कियों की मंडी, जहाँ बाप अपनी पक्की फसल बेचता है और भाई उसका सौदा करता है। पहली बोली 10 से 20 हजार, है कोई खरीदार? एक बार लगन करके वापस गए तो कीमत 50,000 से 75,000, और लगन के बाद बच्चा हुआ तो दाम दुगना साहब। जमीन अगर फसल देने वाली हो तो किसान दुगना पैसा देता है, वैसे ही चिदर होता है। लेकिन जमीन होती है जीती जागती लड़की, पावती बनती है पावती, नाम करुणा, बाप का नाम भूषण राव। लगन करने की तारीख, लगन तोड़ने की तारीख, और पता है ये सब कौन करवाता है? लड़का और लड़की के माँ बाप। मेरी ताई को ऐसे ही भेज दिया भाई और बाबा ने, एक बीमार बूढ़े आदमी के साथ। आपको पता है वो 18 साल की थी, सिर्फ 18। एक बेटी की माँ बनी, बहुत प्यार करती थी अपनी बेटी से। पर उसके बाद वो आदमी मर गया साहब। इधर चूड़ी फोड़ के औरत विधवा हुई कि उधर वापस मंडी में। छी, ताई की बोली फिर से शुरू। 1 लाख के ऊपर गोद में बेटी थी ना, फिर से बिक गई 1 साल के लिए। ताई की किस्मत अच्छी थी कि चंदर भाऊ के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। पैसा है तेरे पास? रोकड़ा है? नहीं तो चल। तो हाथ जोड़ता हूँ काका, सरिता से लगिन करना है काका, बहुत खुश रखूंगा उसको, जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, उसकी बेटी को अपना नाम दूंगा, बहुत प्यार करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। काका पैर पड़ दो। पैर नहीं पड़ने का, बोला ना तेरे को, अगर पैसा है तो लेके आने का 1.5 लाख, 1 साल के लिए मैं तेरे से लगन कराता, और पूरे जिंदगी के लिए करने का है तो 10 लाख लेके आने का। इधर इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा काका, गरीब आदमी हूँ। आओ संजू बहू, चले। वक्त उसका है, जाने को बोलो ना तुमको तो जाने का, चल फुट। अरे जाता कि नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालू क्या? भाई देखो प्योर मैरिज मटेरियल है, देखो चेहरा देखो इसका, साथ में एक बच्चा है। एक बच्ची नहीं, बच्ची है। हाँ वही है। अगर जिंदगी भर के लिए चाहिए तो 10 लाख में लक्की करता हूँ। कोई है? बोली लगाओ, फटाफट बोली लगाओ। 80,000। ज्यादा लगाओ, ज्यादा बोली लगाओ, ज्यादा। 90,000।
1 लाख। अरे का है, 1 लाख भी कम है। अरे एक ही बच्चा है ना, भी उसको 1 लाख बराबर है का मंडे? एक ही बच्चा है। एक बट्टा है तो सौदा करो, नहीं तो आवा नहीं दो, चलो निकलो। संतोष राव, एक गैपा होती मेरी लड़की और बच्ची 1 साल के लिए तेरी बाइक को चलेगी। 1.5 लाख नहीं तो दे दे ताई को। उनको तो मुंह मांगी रकम मिली ना, पर देने वाला संतोष वो तो सबसे बड़ा राक्षस। बस थकली माजी ताई, वीरू को इस प्रथा से बचाने के लिए भाग गई चंद्र भाऊ के साथ, और उसने मेरे को भरोसा दिलाया कि पैसा जमा करके वो मुझे बुला लेगी। फिर मेरे को बुला लिया, मैं खुशी खुशी चली गई। चंद्र भाऊ ने मुझे रहने की जगह दी, पर मैं पागल, सबसे बड़ी पागल, मैं आई को फोन कर बैठी। हेलो आई। करुणा मेरी बच्ची, कैसी है तू? आई मैं ठीक हूँ। कहाँ है तू मेरी बच्ची, बोलना, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, बता कहाँ है? मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में कैसे पहुँच गई वहाँ? वो चंद्र भाऊ मुझे लेकर आए थे। मैं जोगेश्वरी ईस्ट में चंद्र भाऊ के साथ खोली नंबर 36 में हूँ। बेटा ताई कहाँ रहती है बता दे बेटा। हाँ मैं मिली, वो ना ऊंचे वाले घर में काम करती है। अच्छा बच्चा, फोन करती रहना। हाँ आई तो बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ। एक दिन लॉज में चंद्र भाऊ का फोन आया, बोले तुरंत बस स्टॉप पर आ जा, और मैं वहां पहुंची तो बाबा और भाई सामने थे, और वो लोग मुझे जबरदस्ती ले गए। बोले कि तू अब किसके सहारे जिएगी, तेरे चंद्र बाबू और सरिता ताई तो ऊपर चले गए। वो लोग ने मेरी ताई को मार डाला, और जिसके साथ ताई का सौदा हुआ था उसकी भरपाई तो करनी थी ना। फिर मेरे को बेच डाला उस संतोष के पास। साहब वो चंद्र गले की हड्डी था साहब, उसे निकालना जरूरी था, इसलिए बुलाया साहब उसको। ए बकचंदर, मेरे को मालूम है कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, क्या करूं, दोनों बेटियां भाग गई, गांव वाले मेरे मुंह पे गोबर मार रहे, बस अब तू मेरी इज्जत बचा ले, जो तू बोलेगा ना वो सब मेरे को मान है। और देख, तेरा लगन मैं सरिता के साथ में करवा दूंगा, हमेशा के लिए, अरे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। देवा से पत अब उसको बुला लो, हम लोग माफी मांगना चाहते, प्लीज आप बुला लो उसको। सरिता को फोन लगा, उसको भी बुला, उसकी आई बहुत बीमार है, वो उसको दोनों को देखना चाहती है, अब क्या करूं, मेरे को उसको मिलने का है। अरे बाप का दिल है ना, उधर इससे हम वापस चले जाएंगे गांव। पण भाऊ एक शर्त, करुणा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बोला ना तेरे को देवा शपथ, अब ऐसा नहीं होगा। फोन लगा उसको। हेलो करुणा, हाँ तू जल्द से जल्द बस स्टैंड पहुंच। सब ठीक हो गया? तेरे बाबा से बात मैंने कर ली है, तू जब चाहेगी जहाँ चाहेगी तेरी शादी करने के लिए वो तैयार है, अब कोई तकलीफ नहीं होगी। सरिता ताई को भी मैं वही ले आ रहा हूँ। ठीक है, चलो तुम दोनों को भी बस स्टैंड छोड़ देता हूँ, और सरिता को भी वही ले आता हूँ। ए चंदन, सरिता का पत्ता हमारे पास में है, क्या समझो? आज अपन खेलना रहा हो, घर ही खेलना रहा हो। अरे सरिता बेटी कैसी है तू? बढ़िया ना? अले अले मीनू, तुमको सबको लेने आए हैं, चल गांव चल। मैं नहीं आऊंगी, जावा तुम ही इतना। सर संजय आई से डर दिला डर तो अरे अरे धरना धरना पकड़ दिखा सब तो का चल ये तक तक डर दिला ए रुक ए सरिता कांति देश उधर ही रुक तेरे
और मीनू के भाग में यही लिखा है, समझी कि नहीं? हम अपने नुकसान की भरपाई इस मीनू से करेंगे। देव से इधर। मैं कहीं नहीं आऊंगी, मैं चंदर को फोन कर दूं। अरे चंदर को गाड़ के हम लोगों ने फेंक दिया है। हाँ बोल, तो ये सब नहीं बोलने का दर्द। हाँ भैया, कितना हुआ? हे संजय, वक्त तो कहाँ है? धरतीला चल, अब चंदर भी नहीं, कौन बचाएगा? चल पकड़। ए रुके, रुक, किधर जा रहा? ए रुक, रुक, रुक। संजय भाग, चल भाग। करुणा को वापस लाके भेज दिया संतोष को, जो किया ना साहब रिवाज के हिसाब से किया, तो पाप नहीं किया साहब? तुम लोगों को देखकर घिन आती है मुझे, तेरे खिलाफ, तेरी घरवाली के खिलाफ और तेरे बेटे के खिलाफ ऐसी तगड़ी चार्जशीट बनाऊंगा ना कि पूरे मांदेली गांव की आंखें खुल जाएगी सजा सुन के। प्रथा, बरसों से दोहराया जाने वाला एक रिवाज जिस पर सवाल उठाने की आदत नहीं है हमें, और अगर कोई सवाल उठाए तो उसे खामोश कर देते हैं हम। तरक्की पसंद है हम, महानगरों के निर्माण में जुटे हैं हम, पर छोटे छोटे गांव में, अलग अलग समाज में ऐसी अनगिनत प्रथाएं अब भी मौजूद हैं जिन पर सवाल उठाओ तो लोग हाथों में पत्थर उठा लेते हैं। हमारी कितनी ही प्रथाओं का मूल उद्देश्य तो कहीं खो चुका है, अब जो बचा है वो है शोषण, औरतों का शोषण। और प्रथाओं की मार सबसे ज्यादा औरतों पर ही पड़ती है। आज भी उनकी जिंदगी पर उनका हक नहीं है, आज भी उनका भविष्य तय करने वाले पुरुष प्रधान समाज के हाथों में वो कठपुतलियां हैं। जरूरत है समाज की हर कुप्रथा, हर बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की, और ये किसी एक के बस का काम नहीं है। हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो ही हिलती है ऐसे समाज की नींव। इस कहानी से संजय और भूषण जैसे लोगों को शायद कोई सबक मिल पाए, लेकिन हम सबके लिए सबक है कि अगर कहीं भी शोषण होता देखें तो खामोश ना रहें। हमें बदलना है और बदलाव की शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय मोर क्राइम टीवी कॉन्टेंट लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।